नमस्कार, सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार अपोजिट क्लॉक टावर की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। जब अगर आपको टीवी खरीदना है या अगर आपको मोबाइल खरीदना है या अगर आपको कोई भी एक्सेसरीज खरीदना है तो जरूर आप याद रखिएगा सिटी मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अबरुद्दीन बाजार। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियां की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। थर्टी रिजर्वेशन जो ओबीसी का है कैटेगरी का, वो उसको इम्प्लीमेंट करे। देश में भी और अंडमान में भी नौकरी का बहुत बड़ा किल्लत है और पढ़े लिखे लोगों का तादाद बढ़ रहा है। हमारे सब दादा परदादाओं को कहा गया था जहाज रेडी है, भाग जाइए अंडमान से। क्योंकि इससे पहले आपने कभी जॉइंट कॉन्फ्रेंस मोपला और लोकल वन को नहीं देखा होगा। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान के इतिहास में पहली बार अमसो अंडमान मोपला सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन और LBA लोकल बॉन एसोसिएशन एक साथ अंडमान के निवासियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। सालों से मांगी जा रही मांग जब अनसुनी की जा रही है हमारे प्रशासन द्वारा, तो यह गठबंधन का निर्णय लिया गया। आज की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात खुलकर रखी गई, अंडमान में सरकारी नौकरियां अंडमान के निवासियों को ही दी जाए, जिस सिलसिले में वे उच्च अधिकारियों से भी मिले। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर जंगली घाट के डेलिशिया रेस्टोरेंट होटल में, जहाँ पे हॉल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है अंडमान निकोबार में कि जब एम्सो अंडमान मोपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और LBA लोकल बॉन एसोसिएशन, इन दोनों ने एकजुट होकर एक मंच पर साथ बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि अंडमान में जो जॉब्स को लेकर जो चिंता जताई जा रही है पिछले दिनों में, कि जो यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं, उनकी नौकरियों को लेकर, उसी सिलसिले में एम्सो और LBA के जो प्रतिनिधित्व हैं वे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले और उसी सिलसिले में वे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। चलिए हम उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आपको लेके चलते हैं। आपको रिजर्वेशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट करना, तो हम लोगों ने वही रिप्रेजेंटेशन दिया है
दिल्ली साहब को दिया है, सीएस को दिया है, सेक्रेटरी एजुकेशन को दिया, डायरेक्टर एजुकेशन को दिया है, तो इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। पूरा देश में भी और अंडमान में भी नौकरी का बहुत बड़ा किल्लत है और पढ़े लिखे लोगों का तादाद बढ़ रहा है और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है घूम रहे हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएशन में बाकी जो इंजीनियरिंग में जो अच्छा अच्छा डिग्री लिए वो सब छोटे से छोटा पोस्ट के लिए भी राजी होकर चल रहे हैं। परसेंटेज एंटाइटलमेंट है 90 मार्क्स होता है जबकि ओबीसी के लिए 82 चाहिए, तो नेचुरल है कि जो ओबीसी और एसटी के बच्चे जनरल कैटेगरी का तौर पे जो एप्लीकेशन दिए हैं वो 90 से नीचे होगा तो 100% वो आउट हो जाएगा। एक इशू है ये, आपको ध्यान देने का बात है। तो ओबीसी को अपना एंटाइटल है वो 82% तक वो एंटाइटल है, 82% तक का बच्चा जो है सिर्फ वो सीटीईटी का मार्क्स की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो ये क्या सुरक्षा इसमें क्या चाहिए आपको, एक तो ओबीसी का या एसटी का कैंडिडेट है वो अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे, दूसरा वो उसके बेसिस में उसका सीटीईटी का मार्क्स का प्रोटेक्शन भी करे, तो उससे क्या होगा हमारे बच्चों का प्रोटेक्शन होगा। मैं रिजर्वेशन का जैसे कि कई लोग हमारे दोस्त भी कहते हैं रिजर्वेशन एक घटिया किस्म का क्या एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है, घटिया तभी होगा जब आपके पास दूसरा चारा होगा। मैं उस पर दो मिनट और बोल सकता हूँ तो आप इजाज़त देंगे तो मैं बोलूँगा, ज़रूर मुझे बोलने का ज़रूरत है इसमें। अंडमान में अब आप देखिए रिजर्वेशन का हैसियत से देखेंगे तो 38% ओबीसी का है और 8% अभी 12 था 8% जो है ट्राइबल एसटी का कर दिया, इसका मतलब है 46% रिजर्वेशन है, 46 है ना, 46 छोड़ के 54% अभी ओपन में है। अब वो ओपन में कौन कौन आएगा देखिए, अब एप्लीकेशन दिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा है, मेनलैंड से भी आएगा, तो अभी लड़ाई कौन सा मैदान में होने वाला है, 44% में होने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम रिजर्वेशन छोड़ दें और वो 44 और ये हमारा 46 मिलके मेनलैंड वाले से लड़े, हमारा मजबूरी तो नहीं है इसका, हमारा मजबूरी एक ये मजबूरी है कि हम अंडमान के हैं, हम अंडमान छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे जापान आने से पहले अंडमान के लोगों को कहा था, हमारे सब दादा परदादाओं को कहा गया था जहाज़ रेडी है भाग जाइए अंडमान से, नहीं भागेंगे कहाँ भागेंगे, जिएंगे यहाँ मरेंगे यहाँ, कई लोग मर गए, कत्ल हो गए, आप हम्फ्रीगंज में जाके देखिए कितने लोगों को मारा, इधर नेताजी पुराना नेताजी क्लब में देखिए लोग शहीद हो गए, वो लोग हैं उन्हीं के वंशज हैं हम लोग देर से आए, ये जो साहब है ये लोग जो है हमसे कई साल पहले आए, उनका भी अपना इतिहास है हमारा भी इतिहास है, हम वो सिर्फ नौकरी की वजह से हम अंडमान छोड़ के कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कोई एड्रेस ही नहीं है, हमारे पास तो आइडेंटिटी है अंडमान का। तो इसलिए हमसे ये उम्मीद ना रखिए कि हम रिजर्वेशन छोड़ देंगे और बाकी जो अंडमान में तफरीह करने के लिए आते हैं, जगह देखने के लिए आते हैं, जगह खरीदने के लिए आते हैं, नौकरी का को टटोलने के लिए आते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जिहाद करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसीलिए रिजर्वेशन के लिए हम ज़ोर से पकड़ें। हमारा पास सिर्फ एक ही चारा है अपने बच्चों को बचाने के लिए, रिजर्वेशन। अब जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आत्मा है और मेडिकल डिपार्टमेंट में NRHM है और नरेगा, इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, उसमें भी अपॉइंटमेंट होगा तो आपको रिजर्वेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप आगे हम मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सवाल करेंगे, उससे पहले मैं एक बात बता दूंगा, अगर ये हमारा बात नहीं सुना जाएगा तो हम बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं। जो मैंने अपने लेटर में लगाया 16 दिसंबर 2005 में, इसमें ओबीसी में कैटेगराइज किया, देखिए लोकल बॉन्ड्स, भातू, मोपलास, क्रेन्स और बंगाली सेटलर, ठीक है। अब आप बताइए अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो गलती किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। 2013 जनवरी में एक ऑर्डर इशू हुआ गवर्नमेंट से, उसमें बताया गया कि लाइजनिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा पर्टिकुलरली फॉर ओबीसी कम्युनिटीज, SC ST का तो होगा वो नहीं, वो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर में एक लाइजनिंग ऑफिसर यानी नोडल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, जो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम डेली बेसिस में जो रिजर्वेशन का एनफोर्समेंट है उसको इंश्योर करेगा। आज का डेट में उसको इंश्योर करने के लिए, अब इससे पहले तक का ट्राइबल वेलफेयर का डायरेक्टर और सेक्रेटरी था, आज अभी सोशल वेलफेयर का सेक्रेटरी या डायरेक्टर को दिया गया है। इंडिविजुअली लेके जाना एक तरह से, मतलब आप अपना ताकत कमज़ोर करना है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं हम मिल के इसको टेकअप करेंगे, क्योंकि अब तक जो हो रहा था शायद हो सकता है कि ये प्रीफेस हो, चेंज हो, चेंजेस के लिए सोसाइटी में हो या दो एसोसिएशन एक साथ मिला है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी जॉइंट कॉन्फ्रेंस मोपला और लोकल बॉन्ड को नहीं देखा होगा। फिलहाल एक साल के अंदर मेरे आने के बाद सिद्दीक भाई ने पहल किया तो हम लोगों ने भी उसको हाथ बढ़ा के थामा है और उसको लेके चल रहा है। 2005 के जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया,
तो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इसको तभी से लागू करना था, अब नहीं हुआ है। अब आप जैसे आपने DRM को बोला, कुछ लोग मेरे जानते वाले हैं जो मेरे विलेज के बच्चे हैं, वो भी pre-42 है, मोप्लास में भी है, उन लोग भी DRM में। अगर अभी आप 10 को निकालो बोलेंगे तो 2 अपने निकल जाएंगे। ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि आप किसी एक का नुकसान करने जाओगे तो पूरा महकमा का नुकसान हो जाना है। तो अब हम लोगों को इससे आगे कैसे सही चलना है, या कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ले करके बता करके भाई ऐसे करो आप, या ये लीगल है, वैसे लेके चलना चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जो शायद पहली बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि अंडमान के जो मोपला एसोसिएशन है, IMSO और साथ में लोकल बॉर्न एसोसिएशन, इन्होंने साथ में मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसको बहुत शॉर्ट एंड सिंपल में हम आपको समझाना चाहेंगे इन्हीं की ज़ुबानी की आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। हेलो यमिन भाई, देखिए अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकला है 539 पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस अपॉइंटमेंट के लिए, तो मोपला एसोसिएशन IMSO एंड लोकल बॉर्न एसोसिएशन, हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया अपने अपने एसोसिएशन की तरफ से कि एज़ पर 2005 ऑफिशियल गजट जो यहाँ पर अंडमान जब पब्लिश हुआ है, 38% रिजर्वेशन जो OBC का है कैटेगरी का, वो उसको इम्प्लीमेंट करे इस अपॉइंटमेंट में। तो उसी के बेसिस में सिद्दीक भाई, रमन काका, इन लोग सब जा कर के CS साहब से मिले थे, हम लोगों का मुलाकात नहीं हुआ लोकल बॉर्न का, तो उसी को रख करके हमने जॉइंट कॉन्फ्रेंस किया है कि ये जो ऑफिशियल गजट है जिसमें रिजर्वेशन ऑलरेडी 38% OBC का है, उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि 45 डेज से वो कोई भी अगर अपॉइंटमेंट होता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो या रेगुलर हो, सब में कैटेगरी वाइज अपॉइंटमेंट होना है। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो समझ आ गया होगा कि बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि पहली बार IMSO, अंडमान मोपला सर्विस एसोसिएशन और लोकल बॉर्न एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर ये जो 38% OBC कैटेगरी की जो जॉब रिजर्वेशन थी इसको इम्प्लीमेंट करने की मांग की है, जिससे यहाँ अंडमान निकोबार के जो बच्चे हैं जो बेरोज़गार हैं उनको यहीं पे अंडमान में नौकरी मिले, और जो रोज़गार की जो समस्या है इस पर भी थोड़ी कमी आए। हम साथ में उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द लागू हो, ताकि यहाँ हमारे द्वीपों के जो निवासी हैं उनको भी एक बहुत बड़ी राहत मिले रोज़गार को लेकर। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। तो जैसा आपने IMSO और LBA लोकल बॉर्न एसोसिएशन की गठबंधन को देखा व सुना, हम भी उम्मीद करते हैं कि द्वीपों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन कोई उचित निर्णय ले, जिससे जॉब्स फॉर आइलैंडर्स की समस्या खत्म हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।